विदिशा जिले के गंज बासोदा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी काका रमाकांत भार्गव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें शिवराज ने मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज भी कसे। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार ने झूठे वादे किए, किसानों के कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, सरकार ने चार माह में प्रदेश का बंटाधार कर दिया, जबकि मैंने एक एक ईंट जोड़कर मध्य प्रदेश को बनाया था, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को मूर्ख समझती है। जब तक बैंक किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र नहीं देता, तब तक कर्ज माफी नहीं मानी जाएगी। चौहान ने प्रदेश की लाइट पर भी तंज कसा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, प्रदेश में चारों तरफ त्राही त्राही मची है। वहीं फिल्मी अंदाज में गाने गाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वार किए, तो दूसरी ओर कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में है, जनता को आंदोलन करके न्याय दिलाऊंगा। करवई पठारी से